तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही रसीला, मुंह में डालते ही घुल जाने वाला सूजी का हलवा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें आधा कटोरी घी ऐड करेंगे। घी को गर्म होने देंगे। उसी कटोरी से अब हम इसमें एक कटोरी सूजी ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, एक कटोरी सूजी के लिए हमें आधा कटोरी घी चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे कुछ। मैंने यहाँ पे 4 से 5 बादाम, काजू और किशमिश लिया है, वो भी ऐड कर देंगे ताकि घी के सूजी के साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन जाए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सूजी में से हमारे भुनने की। तो देखिए, कलर चेंज हो गया है सूजी का, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से हमारी सूजी भुन चुकी है, परफेक्ट एकदम। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैंने सिर्फ कलर आने के लिए, हलवाइयों जैसा कलर आने के लिए इसमें ये ऐड किया है। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी घी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपने इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। आप 1.25 कटोरी या फिर 1.5 कटोरी इसमें चीनी ऐड कीजिए। अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप चीनी की मात्रा कम कर दीजिए। अब हम इसे हलवाइयों जैसा बना रहे हैं, एकदम रसीला, तो हमें इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। पानी हम यहाँ पे 2.5 कटोरी ऐड करेंगे। एक कटोरी सूजी के लिए 2.5 कटोरी पानी परफेक्ट है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। देखिए, सूजी हमारी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से हमारा हलवा बन रहा है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम इसे और पकाएंगे एकदम गाढ़ा होने तक। तो देखिए, सूजी हमारी बहुत अच्छे से, हमारा जो हलवा है गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छा हलवा हमारा बन गया है। देखिए, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर ऐसे ही खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। थोड़े से इसे मैं जो फ्रूट्स होते हैं, चेरी होती है, उसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। चलिए देखिए, हमारा सूजी का हलवा बन गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।